पंजाब से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सभी कस्बों और शहरों में रात में कर्फ्यू लगाने सहित राज्यों में कई नए प्रतिबंध जारी किए हैं। 1 दिसंबर से मास्क पहनने या शारीरिक दूरी का पालन करने पर, नियमों का उल्लंघन करने पर दोहरा जुर्माना होगा। पंजाब सरकार ने दिल्ली NCR की भयावह स्थिति और पंजाब में दूसरी लहर के खतरे को देखते हुए यह निर्णय लिया है। सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस भी सुबह 9:30 बजे तक खुले रहेंगे। कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। समीक्षा 15 दिसंबर होगी। सरकार ने कोविड की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा बैठक के बाद नए प्रतिबंध लगाना का फैसला किया है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा है कि कोविड के बारे में नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना मौजूदा 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा। प्रशिक्षण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री ने 25,500 दैनिक RT-PCR परीक्षण क्षमता का पूरा उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिला अस्पतालों में परीक्षण करने की आवश्यकता थी और यह उन जगहों पर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण था जहां पर सुविधा अभी तक नहीं पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट, आज शाम प्लस।